भाई भाई सारा भाभी कहाँ है? आई नहीं। क्यों तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो ये फिक्र होनी चाहिए ना कि सना क्या है और क्या कर रही है। मैं सना को सैलून लेकर जा रहा था, तो मैं सोचा सारा भाभी से पूछ लूँ, दोनों को साथ ले जाऊंगा। उनका आपस में क्या ताल्लुक है? कैसी बात कर रहे हैं, बहने हैं दोनों। बहने हैं? नहीं बहने थी। अब वो मेरी बीवी, उसका अपना एक मिजाज है मेरी तरह। इस बात का मतलब समझा नहीं। मतलब ये कि वो अपने मेयार के मुताबिक लोगों से ताल्लुक रखना चाहती है। नहीं, सारा ऐसी नहीं। क्या सारा? नहीं सारा भाभी सारा भाभी ऐसी नहीं है। ऐसी ही है। अपने घर में उनकी चलती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ होने नहीं दूंगा। वैसे भी मोम को ज्यादा नहीं पसंद कि सना और सारा आपस में कोई ताल्लुक रखें। कैसे हो सकता है भाई, रिश्ता बदला है, खत्म थोड़ी हुआ है अभी। हाँ तो रिश्ता खत्म होने में या बदलने में कितना वक्त लगता? ये रिश्ता भी समझो टूट ही गया। और बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो रही है ना सुफियान, तो ताई अम्मी का रोल याद रखना इस घर में। फिर बाद में मेरे पास मत आना, वो हमको तो जानते ही हो जलील करके रख देंगे। ठीक है? चाची जान की बात का मैं बुरा नहीं मानता, वो बड़ी है, तो इस वजह से। भाभी सारा भाभी सुफियान, क्या हुआ? सारा को तुम्हारे साथ पार्लर ड्रॉप करने के लिए पूछने गया था। हाँ तो मना कर दी। सारा ने मना किया? सारा आजकल खुद कुछ कहती कहाँ है। सालार भाई से कहलवाया उसने कि अब उसका मयार हमसे बेहतर है, हम जैसे लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहती, हो अपने मयार के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा सारा को क्या हो गया है। कभी कभी इंसान को जब उसकी तवक्को से ज्यादा मिल जाता है ना, तो वो खुद को सबसे बेहतर समझना शुरू हो जाए। हाँ लेकिन माँ बाप, कोई अपने माँ बाप से कैसे मुंह फेर सकता है? सना, रिश्तों की अहमियत दुनियावी चमक दमक के सामने धुंधली पड़ जाती है। सारा के साथ बिल्कुल वही और बदल गई है सारा। जी हेलो, मैं आ रहा हूँ, सामान चेक करो। देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।